प्रोटॉन कैनन एक ऐसा वेपन जो थेनोस पे भारी पड़ सकता है एवेंजर्स एंड गेम में। इसका रेफरेंस हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था एवेंजर्स हेडक्वार्टर में। फिर जब जो रूसो ने एक फोटो रिवील की थी जिसमें उन्होंने लिखा था लुक हार्ड, तो उसमें दो चीज़ सामने आई थी, एक तो प्रोटॉन कैनन, एक तो एंड गेम का नाम। तो दोस्तों अब ये प्रोटॉन कैनन है क्या और इसका क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आज ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्रोटॉन कैनन की बात करें तो ये दोनों लोग यूज़ करते हैं, वॉर मशीन भी और आयरन मैन भी, लेकिन मार्वल वर्सेस कैपकॉम में प्रोटॉन कैनन का यूज़ आयरन मैन करते हुए नजर आया था। लेकिन बात करें एवेंजर्स एंड गेम की तो प्रोटॉन कैनन का यूज़ वॉर मशीन करेगा, ये तो कन्फर्म्ड है। लेकिन वॉर मशीन का जो अभी सूट हम लोग जितना भी देखे, जितनी भी लीक इमेजेस में, जितनी भी प्रोमोशनल आर्ट में, उसमें प्रोटॉन कैनन साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है वॉर मशीन प्रोटॉन कैनन अपने ऊपर रख के हर जगह घूमेगा नहीं, उसका सही टाइम पे इस्तेमाल करेगा। ये भी पॉसिबिलिटीज आ रही है कि प्रोटॉन कैनन भी नैनोबॉट्स से इन्हांस हो गए होंगे जब टोनी स्टार्क वापस अर्थ पे आया होगा, तो प्रोटॉन कैनन भी तभी अपना शेप लेंगे जब वॉर मशीन चाहेगा। अब प्रोटॉन कैनन की पावर की बात करें तो अगर आयरन मैन के एक छोटे से रिपल्सर को कई हजार गुना बड़ा कर दे तो प्रोटॉन कैनन का काम करेगा और ये एक बार में अपने ओपोनेंट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। डीमेरिट की बात करें तो प्रोटॉन कैनन का सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि इसका स्टार्टअप टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन कैनन का स्टार्टअप टाइम इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से उसे थेनोस को टारगेट करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अगर थेनोस को टारगेट करना है तो पहले थेनोस को बिजी रखना पड़ेगा फाइट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर रोडी प्रोटॉन कैनन स्टार्ट करता है तो तब तक थेनोस से हल्क, आयरन मैन, थॉर और कैप्टन मार्वल लड़ सकते हैं। उसके बाद जब थेनोस लड़ते लड़ते रोडी की मनचाही पोजीशन पे आ जाए, यानी रोडी की मनचाही टारगेट पे आ जाए, तभी रोडी प्रोटॉन कैनन का फायर कर सकता है, क्योंकि ये कोई छोटा रिपल्सर नहीं कि 10 बार वो फायर कर सके। ये एक सिंपल सा बहुत बड़ा वेपन है जिसका यूज शायद एक ही बार हो पाएगा पूरे के पूरे एवेंजर्स एंड गेम में। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा डीमेरिट है प्रोटॉन कैनन का, और उम्मीद की जाए तो प्रोटॉन कैनन का यूज जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तभी हो सकता है किया जाए। तो जब प्रोटॉन कैनन का यूज होगा तो रोडी के साथ साथ बाकी सारे एवेंजर्स के मेंबर भी अलर्ट हो जाएंगे ताकि प्रोटॉन कैनन का यूज सही से हो सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रोटॉन कैनन का यूज हमें एवेंजर्स एंड गेम में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा या 2 से 3 बार देखने को मिलेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।